हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समाज का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं, फाइनली बिग बैश लीग का प्ले ऑफ चैलेंजर मैच आ चुका है। तो बात करते हैं जो कि मैच खेला जाएगा ब्रिसबेन और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में। यह मैच 22 जनवरी को करारा ओवल क्वींसलैंड में खेला जाएगा। यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी वह डायरेक्ट फाइनल में सिडनी सिक्सर्स से भिड़ने वाली है। अगर लास्ट गेम में बात करें तो जहाँ पे ब्रिसबेन हीट को सिक्सर ने हरा दिया, जिसमें टीम फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई, टीम को एक और चांस मिला है फाइनल में जाने का। वहीं जबकि दूसरी तरफ बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर, जो कि टूर्नामेंट में गजब का कमबैक करते हुए लगातार 4 मैच जीत के आ रही है और नॉकआउट मैच में टीम ने टूर्नामेंट टॉप पर पर्थ कोचर्स को हराकर बाहर कर दिया। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, मौसम में नमी भी रहेगी। वहीं अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 42% रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 29% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 65% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 145 है, जो इन सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 136 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हिट टू हिट चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर 4 मैच जीत के आ रही है, तो 20 मिनट 6 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट के बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए लास्ट 4 गेम में जीत कर कमबैक किया, केवल नंबर टॉप पे जगह बनाई हुई। नॉकआउट जीत के साथ टीम का कॉन्फिडेंस और गेन हो गया, यहाँ पर टीम का टारगेट जीत कर दर्ज करना होगा। टीम के कप्तान जहाँ पे मैथ्यू शॉट है, जो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर, उन्होंने 10 मैच में 509 रन बनाए, तो इस वक्त गजब का फॉर्म में भी चल रहे हैं। टीम की बाकी सब बैटर्स भी फॉर्म में है, थॉमस केली जो कि सुपर फॉर्म में है, डीआरसी शो टीम के इफेक्टिव प्लेयर है। लास्ट 2 मैच में जहां पे जैक वेदरलैंड ने 47 और 56 रन की इनिंग खेलेंगे और टीम को भी जितवाया। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में काफ़ी सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे कैमरन बॉयस लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल देते हैं। वही टीम के टॉप बॉलर जहां पे जेमी वॉन्ट है, जिन्होंने 9 इनिंग में 16 विकेट लिए हैं लास्ट 2 गेम में, लॉयड पॉप जो 8 विकेट लिए हैं, नॉकआउट में मैन ऑफ द मैच भी थे। वही डेविड पाइन जो लास्ट गेम में फॉर्म में थे, टीम का टारगेट जीत कर दर्ज चैलेंजर मैच में जगह बनाना होगा। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे मैथ्यू शॉट है, डीआरसी शॉट है, जैक वेदरलैंड है, बेन बनाती है, जेम्स बैडली, थॉमस केली, लॉयड पॉप है, हैरी नीलेशन है, थॉर्नटन है, डेविड पाइनी, कैमरन बॉयस। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे मैथ्यू शॉट है जो कि 10 इनिंग में 509 रन है, एवरेज 62 का है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो डीआरसी शॉट जो कि 20 इनिंग में 237 रन है, एवरेज 23 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें जेमी मॉर्टन, जो कि 9 इनिंग में 16 विकेट लिए, इकोनॉमिक 7.4 का है। बात करते हैं दूसरी टीम 20 मिनट का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया, टीम टूर्नामेंट में टॉप पर स्टेबल थी, लेकिन क्वालिफाई में सिडनी सिक्सर्स टीम को हरा दिया। टीम टॉप 2 में इसलिए थी कि टीम को एक और चांस मिला है। टीम के टॉप बैटर हैं जहाँ पे कॉलिन मुनरो जो टीम के लीडिंग रनर स्कोरर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर लास्ट मैच में देखें तो टीम की बैटिंग फेल थी, 113 पे ऑल आउट हो गई। तो ओपनिंग में बात करें तो जॉस ब्रायन पिजन की जोड़ी हिट रही है। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे मैथ रेंसू एंड मैक्स विनी है, बॉलिंग टीम में हर मैच में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, हर बॉलर विकेट ले रहे हैं। शेक्सपियर बार जो अब तक 17 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं और तहलका मचा कर रखे हैं। मिचेल नसीब टीम के इफेक्टिव बॉलर है, पॉल वॉल्टर जो अब तक 15 विकेट लिए, स्पेंसर जॉनसन जो कि वो भी फॉर्म में चल रहे हैं, स्पिन बॉलर में जहाँ पे मिचेल स्वेप्सन यहाँ पे इफेक्टिव है। टीम का टारगेट यह मैच जीत कर फाइनल में जगह बनाना। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जॉस ब्राउन है, जिम्मी परिजन है, मैक्स ब्रियंट है, मैथ रेंसो है, मैक्स विनी है, पॉल वॉल्टर, मिचेल नसीब, शेक्सपियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वेप्सन, मैट कुनेमन। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर की बात करते हैं, जहाँ पे मैथ रेंसो जो कि एक बैट्समैन है, 8 इनिंग में है 129 रन है, एवरेज 19 का। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें तो जॉस ब्राउन जो कि बैट्समैन है, 7 मैच में 124 रन है, एवरेज 24 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें शेक्सपियर बार्टलेट जो कि 9 मैच में 17 विकेट है, इकोनॉमिक 6.8 का है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर लिया, अब आगे पढ़ते चलते विनर अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर ब्रिसबेन हीट होगा, क्योंकि ब्रिसबेन हीट काफ़ी अच्छी रिसेंटली की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर को बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रिसबेन हीट जीत कर फाइनल में सिडनी सिक्सर्स से टक्कर ले सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Yeah!